Attorney General Office, greeting you all for today's press meet. Cross-country pipeline. Moreover, Indian R&D Center at Faridabad, one of Asia's finest in downstream petroleum R&D, offers a competitive advantage. IOCL हर साल एक थीम डिसाइड करती है एंड उस थीम के अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो थीम हमने डिसाइड की है उस थीम के अनुरूप हम कार्य करें और उस थीम को हम लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें और उस थीम को हासिल करने की कोशिश करें। 2022 की अगर बात करें तो IOCL ने थीम रखी थी क्राफ्टी का ग्रीन फ्यूचर, मतलब हरित ऊर्जा की ओर, और 2023 की जो हमारी थीम है वो थीम हमने रखी है स्ट्रेंथनिंग द ग्रीन रिजॉल्व। तो इस ग्रीन रिजॉल्व के तहत हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं और थोड़े बहुत इनिशिएटिव्स आपके सामने यहाँ डेफिनेटली रखना चाहूँगा ताकि हम लोगों की क्या प्रिपरेशंस है कि हम नेट जीरो 2046 तक हासिल कर पाएँ, उससे प्रॉब्लम आप थोड़े बहुत अवगत हो पाएंगे। साथियों, जितने भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मार्केट पर बेचते हैं अक्रॉस दी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन उसमें से 40% से भी ज़्यादा जो है वो डीजल की खपत होती है। मतलब ये मानिए कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें 40% कंट्रीब्यूशन डीजल का, तकरीबन 40% कंट्रीब्यूशन डीजल का होता है। स्टेट बाय स्टेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट 40% से ज़्यादा हम डीजल की बिक्री यहाँ करते हैं पूरे देश में। और जानते हैं कि जो डीजल हम गाड़ी में यूज़ करते हैं डेफिनेटली इमिशंस होते हैं, बट हमने ये सोचा कि अगर इतनी बिक्री हम लोग कर रहे हैं तो इस डीजल को हम लोग ग्रीन कैसे बनाएं, मतलब इसको ऐसे क्या करें कि जो एमिशंस इसके थ्रू हो रहे हैं व्हीकल्स के थ्रू उसको हम कैसे कम करें। तो हमारी आरएनडी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक नया डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट डीजल का लॉन्च किया है जिसका हम ब्रांड नेम है एक्स्ट्रा ग्रीन। एक्स्ट्रा ग्रीन के नाम से ये ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया है। डिफ्रेंशिएटेड डीजल है, इसमें कुछ एडिटिव्स डले हुए हैं एंड अगर हम ये डीजल यूज़ करते हैं तो जो एमिशंस हमारी व्हीकल्स के थ्रू होती है या जो भी डीजल यूज़ करते हैं व्हीकल्स या गाड़ियाँ या इक्विपमेंट्स, उससे जो एमिशन होता है उस एमिशन में एक कमी आएगी। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं जो एक बहुत ही हार्मफुल गैस है एंड जो पर्यावरण पर बहुत नुकसान पहुँचाता है, तो उसके एमिशन में तकरीबन 5.29% की एक कमी आती है। साथ ही साथ नॉक्स में 4.99% की कमी आती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर करते हैं तो अगर हम 1 लीटर डीजल इस्तेमाल करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा वो 130 ग्राम से उसमें कमी आएगी। तो ये भले ही डीजल है, फॉसिल फ्यूल है, बट हमारी कोशिश ये है कि इसको इस्तेमाल करते हुए भी हम कैसे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, कैसे एमिशन हम कम कर सकते हैं, इसके प्रति एक हमारा एक पहल थी और इसी के तहत हमने एक्स्ट्रा ग्रीन का लॉन्चिंग किया है। और यही नहीं, अगर हम एक्स्ट्रा ग्रीन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो जो हमारे माइलेज है गाड़ी की, जिसे हम एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल कहते हैं या फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं, जो माइलेज कहते हैं, तो माइलेज में भी बढ़ोतरी आती है तकरीबन 5 से 6%। मतलब अगर नॉर्मल डीजल यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा ग्रीन यूज़ करते हैं तो अगर आप एक्स्ट्रा ग्रीन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको तकरीबन 5 से 6% का माइलेज में बढ़ोतरी मिलेगी। सब जानते हैं अगर माइलेज में बढ़ोतरी मिल रही है दैट मीन्स हम बेसिकली डीजल का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम खपत हो रही है। डेफिनेटली हम आप लोग सब अवगत है कि हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, तकरीबन 85% जो क्रूड है हमारा इंपोर्टेड क्रूड होता है। और अगर हम किसी तरीके से हम लोग अपने जो फ्यूल्स उसकी एफिशिएंसी अगर बढ़ाते हैं तो नेचुरली जो हमारी क्रूड की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और जो हम क्रूड खरीदने के लिए जो हम फॉरेन एक्सचेंज का व्यय करते हैं, जो एक्सपेंसेस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे, उसमें भी कमी आएगी। तो ये पहल हमारी बेसिकली डीजल के तहत रही है। साथ ही साथ दूसरा एक मेजर प्रोडक्ट है जिसे हम लोग वाकिफ हैं, वो भी बड़ा प्रचलन में है, वो है पेट्रोल। तो पेट्रोल का भी इस्तेमाल तकरीबन अगर देखें तो 15% से भी ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें से 15% कॉन्ट्रीब्यूशन पेट्रोल का होता है। पेट्रोल में भी हमने ऐसे एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका ब्रांड नेम XP95। दो है, XP95 XP100 भी है, पहले मैं XP95 की बात करूँगा। तो XP95 भी हमने एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया है और ये भी सब जगह उपलब्ध है इंक्लूडिंग ओडिशा। और अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी जो एमिशंस होते हैं यूज़ करने के बाद एमिशंस में काफ़ी कमी आती है, ना कि आपके हाइड्रोकार्बन एमिशंस में, प्लस साथ ही साथ इसमें जो आपका बाकी एमिशंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें भी काफ़ी कमी आती है। और इसकी खासियत एक और है कि इससे जो गाड़ी का माइलेज है
वो भी तकरीबन 4% बढ़ जाता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ग्रीन एज वेल एज आपका एक्सपीर एंटीफाई, दोनों में एक खास बात यह है कि आपका पोल्यूशन कम करने के साथ साथ ये आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ाता है, मतलब आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो आप कम पैसा खर्चा करके आप ज़्यादा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है XP95।